बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक हुई थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए थे। उसमें से एक अहम फैसला था पॉलीथीन को बंद किया जाएगा बिहार से। और आज वो दिन आ गया, आज ही के दिन 14 दिसंबर की अनाउंस किया गया था कि आज से पूरे पटना और बिहार में प्लास्टिक की बंद की जाएगी। तो ये कितनी हद तक सफल हुई है, आइए चलते हैं जनता की राय जानते हैं और पटना के क्षेत्र में घूम कर देखते हैं कि क्या पॉलीथीन का लोगों ने बहिष्कार किया। ये बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते थे कि ये प्लास्टिक बंद हो जाए। नहीं, लाना चाहिए, जरूरी है थाला लाना, सपोर्ट होना चाहिए जनता। अच्छी पहल है, बिल्कुल। इसमें आप लोग किस तरह से उन्हें सपोर्ट करेंगे? सब घर से कैरी बैग लेके निकले तो दे दी सब्जी वाली, घर से थैला लेके चलिए। ठीक है, आज भर अभी दूर जा रहे हैं। हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे पॉलीथीन, हम लोग अपना लेके आएंगे कपड़े का, क्योंकि पॉलीथीन से हम लोग अभी घर में कचरा लगता है लेके जाते हैं। इस वक्त मैं गर्दनीबाग के सब्जी मंडी में उपस्थित हूँ, जहाँ कि मैं और सारे लोगों को पॉलीथीन में सब्जी ले जाते देखा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक इंसान ऐसे हैं जो घर से बैग लेकर आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह का वो पहल अपने थ्रू लोगों को बताना चाहते हैं, किस तरह का सरकार का पहल और ये कितना सहायता करेंगे और लोगों को क्या मैसेज देंगे। तो जिस तरह से सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया, बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि लोग उसका, बहुत से लोग पहल को नकार रहे हैं और आज भी पॉलीथीन लेकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बैन होना बिल्कुल ज़रूरी है, पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। और पेपर बैग्स वगैरह या बैग लेकर के चलना यूज़फुल है पॉल्यूशन के लिए, अपने लिए, ईच एंड एवरीथिंग फॉर। ये सरकार की अच्छी पहल है, बिल्कुल। लेकिन आप बिहार से बाहर निकल, अभी भी कहना है कि 23 के बाद पॉलीथीन बंद हो रही है, तो 23 के बाद हमसे बात किया जाए। ये हर लोगों की अपनी अपनी सोच है, आप हर किसी के बारे में एक चीज़ नहीं बोल सकते हो। तो चलिए और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है इस पॉलीथीन के बारे में। किया है और आप अभी भी खुलेआम पॉलीथीन में सब्जी दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, सरकार की बातों को अनदेखा कर रहे हैं आप। क्या लोगों में मैसेज दें कि घर से थैला लाए, आप अभी भी खुलेआम बोल रहे हैं तो भैया अगला मान ही नहीं रहा, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या जाए। सरकार आपसे मनवाएगी ना, बैन है, फाइन का प्रोसेस है, तो पॉलीथीन बंद करेंगे आप? हाँ भैया, बंद नहीं करेंगे, बंद करेंगे ना। हाँ, समझते नहीं चीज़ों, नहीं नहीं समझना चाहिए, सबके लिए है, एक आदमी के लिए नहीं है, सबके लिए है, सबको इससे फायदा है, सबको इसका पालन करेंगे अच्छा से आज के बाद। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, लोगों ने जनता के अंदर ये राय थी कि उन्होंने सरकार की पहल को बहुत अच्छे से स्वीकार किया और कहा है कि हम इस चीज़ को मानेंगे और पॉलीथीन को बहिष्कार करेंगे। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 23 दिसंबर तक बंद है, अभी तब तक चल रहा है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि ये डेडलाइन है 23 दिसंबर, उसके बाद आपको जुर्माना लगेगा। देखिए क्या कुछ होता है, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, लोगों अधिकांशता लोगों ने इसका बहिष्कार किया है। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं विशाल चौहान, न्यूज़ 11 पटना।